तो प्रभात प्यारे बच्चों बच्चों आज हमारी हिंदी की कक्षा है और हिंदी की कक्षा में आज हम करेंगे हमारा पाठ 28 जिसका नाम है पेड़ पौधों का महत्व। आपको पता है ना हमारे आसपास कितने सारे पेड़ हैं, पौधे भी हैं, है ना, लेकिन वो क्यों लगाते हैं, उनका क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन काल, प्राचीन काल होता है जो पुराना समय होता है, ठीक है, पहले ज़माने का, जैसे हमारे दादा दादी वाले टाइम होता है उस टाइम का। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, यानी कि दादाजी दादी जी परदादा परदादी, ठीक है, वो लोग प्राचीन काल में हमारे पूर्वज पेड़ पौधों की पूजा करते थे। आज भी देखे कभी कभी पेड़ों की पूजा करते हुए, नहीं देखा? देखो हम कब क्या करते हैं, पीपल का पेड़ होता है, वट वृक्ष का या तुलसी का पौधा होता है ना घर पे, तुलसी का पौधा तो सबके होता हुआ, मम्मा उसके आगे दिया लगाती हैं, चुन्नी भी डालती है ना रेड कलर की, तो कुछ पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, जैसे पीपल, वट वृक्ष और तुलसी, इनको आज भी पवित्र माना जाता है, ठीक है, और इनका पूजन किया जाता है, मतलब इनकी पूजा की जाती है। नीम का वृक्ष, नीम का वृक्ष पता है कौन सा होता है, जो बहुत कड़वा होता है ना, नीम तो कड़वा होता है, नीम का वृक्ष तो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी माना जाता है, लेकिन जो वो पेड़ है वो हमारे बीमारियों को दूर करता है, ठीक है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में एक वृक्ष की महिमा 10 पुत्रों के यश के बराबर मानी गई है, मतलब अगर हम एक वृक्ष की अच्छे से देखभाल करते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि हमने 10 पुत्रों का पालन पोषण कर लिया। क्यों ऐसा मानते हैं, क्योंकि पेड़ हमें शुद्ध वायु देते हैं। वृक्षों से प्राप्त होने वाली शुद्ध वायु में क्या है, ऑक्सीजन, क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है जिसे हम ग्रहण करते हैं, हम लेते हैं ऑक्सीजन, हम लेते हैं जिसकी वजह से हम जीवित रहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुरता में होती है, प्रचुरता में मतलब बहुत ज़्यादा होती है, जीवित रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सांस लेने के बाद जिस अशुद्ध वायु को हम छोड़ते हैं उस वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है। अब देखो हम क्या करते हैं, हम एक बार सांस को अंदर लेते हैं ऐसे, है ना, और फिर बाहर छोड़ते हैं, तो जब हम अंदर ले रहे हैं तो हम कौन सी गैस अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन, और जब हम बाहर छोड़ रहे हैं तो कौन सी वो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। हम कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, और पौधे कौन सी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। हम कौन सी छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। उल्टा होता है, पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम ग्रहण करते हैं, और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जिसे पौधे ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे इसी दूषित वायु को ग्रहण करते हैं, इस प्रकार हमारे चारों ओर के वातावरण को शुद्ध और स्वच्छ बनाए रखने वाले ये भोले भाले और परोपकारी पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र और सहायक हैं। कैसे हुए अभी हमारे सच्चे मित्र, क्योंकि ये दूषित वायु को ग्रहण करते हैं और हमें शुद्ध वायु देते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे पेड़ों से क्या इस्तेमाल होता है। देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, पेड़ काट रहा है, पेड़ काट कर क्या बनाया, बहुत सारा फर्नीचर, है ना, आप जिससे बैट बॉल से खेलते हो लकड़ का बना होता है ना वो भी, वो बहुत सारी दवाइयाँ पेड़ों से हमें मिलते हैं, फल फूल, है ना, और क्या क्या मिलता है देखते हैं। पेड़ हमारे लिए आवश्यकता की चीज़ें भी जुटाते हैं, हम जिन शानदार भवनों में रहते हैं उनके निर्माण के लिए लकड़ी ये पेड़ ही हमें देते हैं, यानी कि कहीं देखें ना लकड़ के अलमीरा बने होते हैं ना आपके घर में, अलमारियाँ बनी होती है ना, किचन में भी बनी होती है, कुछ ऐसी अलमारियाँ होती है लकड़ की जिसमें आप कपड़े रखते हो, स्कूल में बेंचेस होते हैं ना लकड़ के बेंचेस, तो वो सब किसके बने हैं, लकड़ के बने हैं। और क्या बना होता है लकड़ से, इनकी लकड़ी से सुंदर सुंदर सोफ़ा सेट बना होता है ना, सोफ़े जो बने हैं, कुर्सियाँ बनती हैं, और भी अन्य सामग्री तैयार की जाती है, ठीक है। और क्या होता है पेड़ों से, वृक्षों से हमें ठंडी छाया मिलती है, पेड़ों के नीचे बैठते हो ना जब गर्मी लगती है तो पेड़ के नीचे जाते हो, ठंडी ठंडी हवा मिलती है, है ना, और स्वादिष्ट फल भी मिलते हैं। वृक्षों से अनेक सुगंधित फूल मिलते हैं जिनसे हम क्या बनाते हैं, इत्र मतलब परफ्यूम और तेल, ठीक है, तेल आदि तैयार किए जाते हैं।
हमारे स्वास्थ्य के लिए भी इन वृक्षों का बड़ा महत्व है। जीवन देने वाली अनेक जड़ी बूटियाँ भी ये वृक्ष ही हमें देते हैं। अब जड़ी बूटियाँ क्या होती हैं? जड़ी बूटियाँ होती हैं जिनसे हम दवाई बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिनको खाने से हमारी बीमारी दूर हो जाती है। अब देखा होगा जैसे कोरोना वायरस आया हुआ है तो कईयों के घरों में तो काढ़ा बना के पिलाते हैं ना, तो वो काढ़ा किससे बनता है? जड़ी बूटियों से बनता है, ठीक है। ये जड़ी बूटियाँ बहुमूल्य औषधियाँ बनाने के काम आती हैं, ठीक है। अनेक उद्योग धंधे भी इन वृक्षों के सहारे ही चलते हैं। और क्या करते हैं वृक्ष? वृक्ष बादलों को अपनी ओर खींचकर समय पर वर्षा लाते हैं। क्या लाते हैं? वर्षा लाते हैं, ठीक है। अगर वृक्ष नहीं होंगे तो क्या होगा? यदि वृक्ष नहीं होंगे तो समय पर वर्षा नहीं आएगी, और फिर क्या होगा? बारिश नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? अकाल पड़ जाएगा, सब जगह सूखा पड़ जाएगा। पानी के बिना सब लोग मर सकते हैं, उनका जीवन संकट में आ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा बारिश को लाने के लिए? हमें पेड़ लगाने पड़ेंगे, है ना। पेड़ों से क्या होगा? बारिश आएगी और हमारा जीवन बच जाएगा। और क्या होता है? लेकिन दुख का विषय ये है, परंतु दुख का विषय ये है कि हित अहित का विचार किए बिना, कि लोग सोचते नहीं है कि पेड़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, और वृक्षों को अंधाधुंध काटते जा रहे हैं। पेड़ों से हमें क्या मिलते हैं? पेपर। ये जो पेपर होता है ना, ये बुक में जो पेपर लगा हुआ है, कागज, ये भी हमें पेड़ों से मिलता है। तो ये सब चीज़ें बनाने के लिए, जैसे कागज बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए, पेड़ों को लगातार काटते ही जा रहे हैं। और वृक्षों के अंधाधुंध कटने पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? लेकिन वृक्ष काटना तो गलत बात है, क्योंकि उससे हमें शुद्ध वायु कौन देगा? फिर हमें छाया कौन देगा, है ना। तो वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, इस पर रोक लगानी चाहिए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, ठीक है। अब हमने कौन कौन से कठिन शब्द पढ़े हैं इसमें? पूर्वज। पूर्वज मतलब पुरखे, मतलब जैसे हमारे दादाजी, दादी जी, ठीक है। और दूषित, दूषित मतलब गंदी, बहुमूल्य, बहुत अधिक कीमत वाला। हित मतलब लाभ, ठीक है, महिमा, महत्व। परोपकारी, दूसरों की भलाई करने वाला। अहित मतलब हानि, प्रचुरता, अधिकता। संकट मतलब कठिनाई, ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे इसके खाली स्थान। नीम का वृक्ष तो डैश के लिए अत्यंत उपयोगी माना जाता है। किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। वृक्षों से प्राप्त होने वाली शुद्ध वायु में क्या है प्रचुरता में? ऑक्सीजन। वृक्षों से हमें फल भी मिलते हैं। यदि वृक्ष ना हो तो सब प्राणियों के लिए जीवन संकट उत्पन्न हो सकता है। मनुष्य वृक्षों को अंधाधुंध काटता जा रहा है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे, देखो परोपकार का मतलब होता है दूसरे की भलाई करना। तो परोपकार का वर्ड क्या बना? परोपकारी। मेहनत से क्या बना? मेहनती। आलस से आलसी। शरारत से शरारती, ठीक है। मेहनत क्या होता है? कठिन परिश्रम। आलस मतलब सुस्ती, शरारत मतलब शैतानी, और मेहनती मतलब मेहनत करने वाला। आलसी कौन है? आलस करने वाला। शरारती कौन है? शरारत करने वाला, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे ये वाक्यांशों में एक एक शब्द लिखना है। सुगंध से युक्त मतलब जिसमें बहुत सारी सुगंध होती है, तो उसको क्या बोलेंगे? सुगंधित, ठीक है। जिसका मूल्य बहुत हो, जिसका मूल्य बहुत सारा है, वो क्या है? बहुमूल्य, ठीक है। अभी विलोम शब्द लिखने हैं, ये जो रंगीन शब्द हैं इनके विलोम शब्द लिखने हैं। धुएं से वायु अशुद्ध हो जाती है, वृक्ष हमें डैश वायु देते हैं, तो अशुद्ध का विलोम क्या है? शुद्ध। जो अंधाधुंध पेड़ काटते हैं वे समाज के शत्रु हैं, पेड़ हमारे सच्चे डैश हैं। शत्रु का विलोम क्या है? मित्र, ठीक है। वृक्षों को काटने से पहले हमें अपने हित डैश को सोचना चाहिए। हित का विलोम अहित। कूड़ा दुर्गंधित होता है और फूल डैश होते हैं। दुर्गंधित का विलोम क्या है? सुगंधित, ठीक है बेटो। अब आपको क्या करना है बच्चों? आपको ये पाठ पढ़ना है और इसके शब्दार्थ और पुस्तक कार्य अपनी पुस्तक में लिखना है और मैम को सेंड करना है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।